and Krishika who thought of me to play this character of Banjo. And I have, I would say, I have said Marathi or spoken Marathi in many films, fleetingly. But an authentic Maharashtrian character that I've played is in this film. So yes, it's rooted, it's typical Mumbai character, Mumbaiya as you call him. And the understanding that Ravi has about the space, the characters and the zone that we are in, it's incredible. So yes, I'm really, really excited about this film and this character to play. Jahan tak look ki baat aati thi, jab pehle discussion hua tha, to Ravi ke khwahish thi ke kuch alag kare, jo mera regular look hota hai, usse kuch alag main dikhun. Aur halanki ye jo hai wo slum mein rehta hai, par iski apni ek style hai. And I know Krishika insisted that you have to have long hair. हमने फिल्म एक्चुअली पुश भी की, ये फिल्म अक्टूबर में शुरू होने वाली थी पर उस वक्त हाउसफुल का स्केड्यूल चल रहा था, आई कुड नॉट हैव टाइम टू ग्रो हेयर और हैव इनफ हेयर टू स्टाइल माय हेयर इन अ पर्टिकुलर वे. सो यस, ये जो लुक है इसका पूरा क्रेडिट श्रेय कृषिका और रवि को जाता है, बिकॉज दे इंसिस्टेड दैट आई शुड हैव लॉन्गर हेयर एंड आई होप इट लुक्स डिसेंट इवेंचुअली. पर यस, कुछ अलग करने की कोशिश है क्योंकि किरदार भी अलग है और एंड इसको जिस तरह मनोज लोग शूट भी कर रहे हैं वो भी काफ़ी अलग है. आई एम रियली एक्साइटेड कि रोज़ घर से जब निकलता हूँ तो एक एक्साइटमेंट से निकलता हूँ कि आज कुछ नया करने जा रहा हूँ. एंड आई थिंक दैट एक्साइटमेंट कीप्स मी अलाइव एवरी डे टू कम ऑन सेट. एंड नरगिस, इट आई थिंक दिस, हम में से कोई भी रिकास्ट हो सकता है फिल्म में लेकिन नरगिस नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ किरदार होते हैं जो खास उन्हीं के लिए बने होते हैं और क्योंकि इट्स टेलर मेड फॉर हर एंड शी फिट्स इट परफेक्टली. आई थिंक शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. उनको बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट रवि. रवि बोलते हैं कि अच्छा कोई इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है, डोंट बॉदर, यू हैव कम फ्रॉम अमेरिका सो यू स्पीक द वे यू आर कंफर्टेबल. बहुत बार एक्टर्स को एडजस्ट करना पड़ता है डायरेक्टर्स के लिए, बट देयर इज अ डायरेक्टर हु इज रेडी टू एडजस्ट टू द एक्टर बिकॉज ही सेज यू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव बेटर सो लेट्स वर्क टुगेदर. आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग क्वालिटी टू हैव एज एन एक्टर एंड शी इज वंडरफुल, शी इज फन, शी इज क्रैक, बट वी लव हर. ओके, धन्यवाद मित्रानो.